पर्सन जैसे हम दिल्ली से शिमला के अंदर जाते हैं टू अवॉइड द हीट एज सिमिलरली माइग्रेटरी बर्ड्स मूव फ्रॉम द वेरी कोल्ड एरिया टू द टू द हॉटर रीजन तो माइग्रेटरी बर्ड्स जो होती है वो बहुत ही ठंडी जगह साइबेरिया से किसी गर्म जगह पर जाती है तो कौन से नेशनल पार्क के अंदर जाती है वो किलाडो नेशनल पार्क कॉर्बेट नेशनल पार्क वेस्टर्न घाट्स या फिर मेघालय तो आंसर क्या है वो किलाडो नेशनल पार्क ठीक है तो किलाडो नेशनल पार्क के अंदर बहुत सारी

वो क्या शो करती है तो कौन सी चीज को शो करेगी दैट इज एस शेप्ड और द सिग्मोइड ग्रोथ ऑफ दिस इंसेक्ट ठीक है तो वो एस शेप्ड और सिग्मोइड को ही शो कर रही है क्योंकि पॉपुलेशन जो है रेनी सीजन बहुत ज्यादा बढ़ी और उसके बाद क्या हो गई वो डिक्लाइन हो गई ठीक है तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है इन्सेक्ट की उसने कौन सी ग्रोथ को शो करा है दैट इज अगमोइड ग्रोथ को शो कर ठीक तो है और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज एज अ पैरासाइट इन द ट्रू सेंस कौन एक्जेक्टली पैरासाइट है ठीक है तो नीट दो हजार ग्यारह के अंदर क्वेश्चन आया है ठीक है तो पैरासाइट कौन होते हैं हमें पता हो पैरासाइट कौन होते दैट लीव ऑन द ठीक है दैट प्रेजेंट ऑन द सर्फेस जो सर्फेस प्रेजेंट होते हैं उनको ही हम क्या कहते हैं दैट इज अ पैरासाइट और सरफेस पे रह के वो क्या गेट करते हैं दे गैट द नरिशमेंट ठीक है सरफेस पे रह के वो क्या करते हैं नरिशमेंट को गेट करते तो कौन एक्चुअल में यहाँ पे पैरासाइट को शो कर रहा है द कुकू ले इट्स एग इन द क्रोसनेस ठीक है ये और द ह्यूमन फिट डेवलपिंग इन साइड द यूट्रस ड्रॉन नरिशमेंट फ्रॉम द मदर या पैरासाइट द फीमेल एनोफिल बाइट्स एंड द ब्लड फ्रॉम द ह्यूमंस या फिर द हाउस लाउस लिव ऑन द ह्यूमन स्कैल एज वेल एज लेंग ऑन द ह्यूमन हेयर तो मतलब पैरासाइट एक्चुअल यहाँ पर कौन है दैट इज द हाउस हाउस लवस ठीक है तो जो कहा रहती है ह्यूमन स्कैल पर रहती है और ह्यूमन स्कैल पर ही एक्ट देती है वहीं से नरिशमेंट गेट करती है तो दिस इज द ट्रू पैरासाइट ठीक है बिकॉज पैरासाइट आर दोस्ट विच आर लिव ऑन द सर्फेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म

तो नेट इंक्रीज इन पॉपुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है बर्थ रेट जो भी आए हैं ठीक है बर्थ रेट प्लस में इमिग्रेशन ये सारे के सारे ऐड हो जाएंगे और माइनस कौन होगा डेथ रेट और हमारा एमिग्रेशन तो नेट इंक्रीज इन पॉपुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है बर्थ रेट प्लस में इमिग्रेशन माइनस कर देंगे डेथ रेट और एमिग्रेशन को तो बर्थ रेट ही क्या होता है दैट इज अटिलिटी तो नेटिलिटी कितना है दैट इज टू फिफ्टी ठीक है इमिग्रेशन आए कितने दैट इज अ ट्वेंटी ठीक है डेथ रेट दैट इज अटिलिटी

बर्थ रेट को ही हम क्या बोलते हैं नेटिलिटी और डेथ रेट को ही हम क्या बोलते हैं मोर्टिलिटी यानी आता है, है? या कि तो नेट इंक्रीज कितना हुआ है दैट इज द जीरो आगे क्वेश्चन तो है जीमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज स्ट्रक्चर इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वॉट एज स्ट्रक्चर किसका एग्जाम्पल है इकोसिस्टम का लैंडस्केप का पॉपुलेशन का या फिर बायोटिक कम्युनिटी का तो आंसर है दैट इज ऑफ पॉपुलेशन का ठीक है तो पॉपुलेशन का ही एग्जाम्पल क्या है पॉपुलेशन को ही डिफाइन करने का करेक्टर क्या है दैट इज एज स्ट्रक्चर ठीक है नीट 2007 के दो हजार सात के अंदर क्वेश्चन हमारा ये आया हुआ है आगे क्वेश्चन है प्रेंग इज अ गुड एग्जांपल ऑफ व्हाट तो प्रेंग मेंटिस ये है ठीक है तो ये कौन है दैट प्रेंग मैं प्रेंग मेंटिस क्या कर रहा है वो ग्रीन येलो कलर का होता है और अपने आप को वो हाइड कर लेता है इससे बैकग्राउंड से और हमें पता अपने आप को बैकग्राउंड से मैच करने क्या होता है दैट इज अ अमोफ्लाजिंग ठीक है तो प्रेस मेंटिस जो होता है वो ग्रीन येलो कलर का होता है एंड इट हाइड हिमसेल्फ फ्रॉम द बैकग्राउंड ठीक है तो अपने बैकग्राउंड से वो अपने आप को मैच कर लेता है तो प्रेस मेंटिस प्रेंग मेंटिस क्या शो करता है कैमोफ लॉज क्या शो करता है बिकॉज ऑफ इट्स ग्रीन येलो कलर ठीक है तो नेचर के बैकग्राउंड से मैच कर जाता है मेंटस आगे क्वेश्चन है द द फॉर एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ इज ठीक है एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ का फॉर्मुला क्या है दैट इज डी एन बाई डी टीव टू दर डी एन ठीक है आगे क्वेश्चन है हाई डेंसिटी ऑफ एलिफेंट पॉपुलेशन इन द एरिया इज अ रिजल्ट ऑफ अगर एलिफेंट की पॉपुलेशन अगर ज्यादा हो जाती है तो वो किसको इंडिकेट करेगी पॉपुलेशन किसकी ज्यादा हो गई है एलिफेंट की ठीक है तो एलिफेंट की वो पॉपुलेशन क्या हो गई हाई हो गई है तो एक ही स्पीशीज की अगर पॉपुलेशन का हाई हुई है तो उसको हम क्या बोलते हैं क्या बोलेंगे इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन तो क्या बोलेंगे इसको इंट्रा स्पेसिफिक पॉपुलेशन तो इंट्रा स्पेसिफिक पॉपुलेशन क्यों इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन क्यों बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे एक ही स्पीशीज की एक ही स्पीशीज का नंबर बढ़ गया है सिर्फ एलिफेंट elephant, एलिफेंट्स के नंबर बढ़ गए तो उनके आपस में क्या हो जाएगा कॉम्पिटिशन हो जाएगा ठीक है तो एलिफेंट्स की अगर ग्रोथ कुछ ज्यादा हो गई काफी ज्यादा नंबर बढ़ गए तो उनके बीच में क्या होने वाला है इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन ठीक है और अगर दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में होता है तो उसको बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन आगे क्वेश्चन है एनुअल माइग्रेशन डज नॉट अकर इन द केस ऑफ डैश ठीक है तो ये दो तीन बार क्वेश्चन ये देखा गया है तो एनुअल माइग्रेशन किस में नहीं देखी जाती है कौन माइग्रेशन शो नहीं करता है आर्टिक टर्न सैलमेंडर सालमन या फिर साइबेन के तो आंसर क्या है वो सैलमेंडर ठीक है तो सैलमेंडर जो होते हैं वो एनुअल माइग्रेशन शो नहीं करते हैं

बेनिफिटेड तो ये दोनों किसका एग्जाम्पल जाएगा इट विल बी एग्जाम्पल ऑफ दिम्बायोसम होते हैं कौन होते हैं है, है? क्या होता है? है. है ये प्रोटेक्ट करते हैं किसको क्रैप को तो वो क्रैप को क्या करते हैं प्रोटेक्ट करते हैं और जो क्रैप होता है वो सी एनिमोन को क्या प्रोवाइड करता है फूड प्रोवाइड करता है और साथ में उसको मूव करवाने में भी हेल्प करता है क्योंकि जैसे क्रैप मूव करेगा वैसे वैसे सी एनिमोन भी मूव करेगा तो दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे दैट्स सो इट इज एग्जांपल ऑफ सिंबायोसिस यानी आता के ठीक है आगे क्वेश्चन है द स्टेटमेंट टू क्लोज रिलेटेड स्पीशीज कॉम्पिटिंग फॉर द सेम रिसोर्स कैन नॉट को एग्जिस्ट इन डेफिनेटली एंड द कॉम्पिटेटिवलीफीरियर विल इवेंचुअली बी एलिमिनेटेड ठीक है तो दो क्लोज रिलेटेड स्पीशीज है जिसमें क्या हुआ है वो एक ही रिसोर्स के लिए कॉम्पीट कर रही है और वो दोनों के दोनों को एग्जिस्ट नहीं कर पा रही है दोनों के दोनों एक साथ नहीं रह पा रही है तो जो सुपीरियर है वो तो सर्वाइव करेगी और जो इन्फीरियर है वो एलिमिनेट हो जाएगी हट जाएगी ठीक है तो दोनों में से कोई एक ही स्पीशीज अगर रह रही है तो वो किसको शो करती तो है कर जिसके अंदर क्या होगा सुपीरियर जो होगी जो सुपीरियर है वो तो क्या करेगी वो सरवाइव करेगी और जो इन्फीरियर है जो इंफीरियर है वो क्या हो जाएगी इट विल बी एलिमिनेटेड ठीक है तो जो इन्फीरियर है वो क्या हो जाएगी एलिमिनेटेड हो जाएगी तो अगर दो स्पीशीज टू क्लोज रिलेटेड स्पीशीज कॉम्पीट फॉर द सेम रिसोर्सेज तो देन सुपीरियर वन विल बी द एग्जिस्ट एंड इनफीरियर वन विल बी द एलिमिनेटेड तो दिस स्टेटमेंट वॉज द गॉस कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का ये ठीक है थीके? वो आगे क्वेश्चन है आपका वट इज द नेम ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द स्पीशीज वेन द वन फिटनेस डोमिनेट द अदर्स एग्जिस्टेंस एंड द फिटनेस ठीक है तो जब एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज पे क्या करती है डोमिनेट करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं

या नहीं आता के ठीक है कि, आगे क्वेश्चन है इन वॉर्ट डायरेक्ट कॉम्पिटिशन अराइजेस ड्यूरिंग द एक्सप्लोर्टेशन तो इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन कब होता है जब ऑर्गेनिज्म फाइट करता है फॉर द ठीक है तो इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन कब होता है वेन द ऑर्गेनिज्म फाइट फॉर द जब वो फूड शेल्टर इन सब के लिए फाइट करता है तो क्या होता है इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन होता है यानी आता के ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टू स्पीशीज एग्जिबिट इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्विमिंग कॉम्पिटिशन इनडायरेक्ट स्विमिंग कॉम्पिटिशन कब देखा जाता है बेटर लिट आउट फॉर द टेरिटरी बेटर लिट आउट फॉर द रिसोर्स एंड मेट्स इन द एरिया या फिर कॉमन प्रे ठीक है शेयर द सेम रिसोर्सिस इन द एरिया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ म्यूचुअलिज्म इज फॉर्म ऑफ म्यूचुअलिज्म कैसा फॉर्म ऑफ इंट्रेक्शन है तो हमें पता हो म्यूचुअलिज्म के अंदर क्या होता है म्यूचुअलिज्म के अंदर हमें पता है क्या होता है बोथ ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिटेड ठीक है बोथ ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड तो दोनों के दोनों अगर ऑर्गेनिज्म अगर बेनिफिटेड हो रहे हैं दोनों को अगर फायदा हो रहा है तो वो कैसा इंट्रेक्शन होने वाला है तो इट मस्ट बी अ पॉजिटिव इंट्रेक्शन तो कैसा इंट्रेक्शन होता है ये पॉजिटिव होता है बिकॉज बोथ हाथ बेनिफिटेड तो क्या होगा इट इज अ पॉजिटिव इंटर स्पेसिफिक इंट्रेक्शन ठीक है और नेक्स्ट क्वेश्चन है हु मेक्स सेल्यूलेस इन द अनग्यूलेट्स इंटेस्टाइन ठीक है अनग्यूलेट्स कौन होते दैट इज द हर्बीवोर उसको क्या बोलते हैं हर्बी तो के के वोर्सुलेक्शन है? है? है, kind of तो कैसा इंट्रैक्शन है माइक्रोहाइजर इज म्यूचुअलिज्म क्या है म्यूचुअलिज्म होता किस, -किस के बीच में है? तो माइक्रोहाइजर इट इज अंट्रेक्शन बिटवीन द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स रूट्स ऑफ हायर प्लांट ठीक है तो हाइर प्लांट्स और हमारे कौन आ गए इज़ द तो इनके बीच में जो इंट्रेक्शन होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं फायदा होता है वो था so तो माइक्रोहाइजर के अंदर किस किस का इंट्रेक्शन होता है हायर प्लांट एंड बोथ आर बेनिफिटेड सो दैट्स सो इट इज है आगे क्या है हाउ डज द बॉडी मेकअप फॉर द लिमिटेड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी इन द एल्टीट्यूड सिकनेस ठीक है तो अगर हम एल्टीट्यूड सिकनेस से अगर हम सफ़र कर रहे हैं अगर हम बहुत ज़्यादा हाइट पे चले जाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ऑक्सीजन को कॉम्पनसेट करने के लिए ऑक्सीजन को फुलफिल करने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है क्या करती है इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी ठीक है वो क्या करती है आरबीसी के नंबर को बढ़ा लेती है ठीक है तो अगर हम क्या जाते हैं काफ़ी ज़्यादा सर्टेन हाइट पे जाते हैं तो हम किससे सफ़र करते हैं वी आर सफ़र फ्रॉम द एल्टीट्यूड सिकनेस तो हम किससे सफ़र करते हैं वो एल्टीट्यूड सिकनेस से हम सफ़र करते हैं और एल्टीट्यूड सिकनेस से सफर करने की वजह से बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ऑक्सीजन को कॉम्पनसेट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर RBC का नंबर नंबर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है है बढ़ इट द ऑफ यानी आता के ठीक है वो आगे क्वेश्चन आपका वॉट इज द नेम ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रिएचर दैट अलाउज इट टू लीव एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स हैबिटेट ठीक है वो कौन सा क्रिएचर है जिसमें क्या होता तो है ऑर्गैनिज्म रहता है और रिप्रोड्यूस करता है तो उस हैबिटेट को हम क्या बोलते हैं दैट इज उसको हम क्या बोलते हैं अडाप्टेशन जब एक पर्टिकुलर हैबिटेट में एक ऑर्गेनिज्म लीव कर पाता है और रिप्रोड्यूस कर पाता है तो उस क्रिएचर को हम क्या बोलते हैं अडाप्टेशन क्या बोलते हैं अडाप्टेशन ठीक है आगे क्वेश्चन है वो व्हाट इज द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म हुज बॉडी टेंपरेचर एंड द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ इट्स बॉडी फ्लूइड विद द एंबिएंट टेंपरेचर ठीक है तो वो कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके बॉडी का टेम्परेचर और ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन बाहर के टेम्परेचर के साथ साथ क्या हो जाती है ऑल्टर हो जाती है चेंज हो जाती है तो वो कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके इंटरनल टेम्परेचर और ऑस्मोटिक कंडीशन चेंज होती चली जाती है बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ठीक है तो उनको हम क्या बोलते हैं कॉनफॉर्मर्स क्या बोलते हैं कॉनफॉर्मर्स ठीक है तो कॉन्फॉर्मर्स का क्या होगा बॉडी का टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर और ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन दोनों के दोनों क्या हो जाएगी वो चेंज हो जाएगी बोथ विल चेंज विद द चेंज ऑफ एनवायरमेंट चेंज ऑफ एनवायरमेंट तो भाग का जैसे बॉडी का भी टेम्परेचर चेंज हो जाता है तो उनको हम क्या बोलते हैं कॉन्फॉर्मर्स और जिनका रेगुलेटर रहता है हो या फिर कम हो अंदर का टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन ही रहता है तो उनको हम बोलते हैं रेगुलेटर्स ठीक है वी आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रेगुलेटर्स ठीक है आगे क्वेश्चन हो विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज है अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेज एंड जर्मिनेट वेन अटेबल एनवायरमेंट Is present, तो वो कौन से स्पीशीज है जिनके क्या होते हैं थिक डेवलप हो जाती है अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन ठीक है तो अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन जिनके स्पोर्ट्स के आसपास थिक वॉल डेवलप हो जाती है तो ऐसा किस में होता है फनजय के अंदर ठीक है तो फनजय के स्पोर्ट्स के आसपास थिक वॉल डेवलप हो जाती है अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन ठीक है और जैसे वो कंडीशन नॉर्मल होती है तो वो वॉल थिन हो जाती है एंड देन देख अंडर द अनफेवरेबल सर्कमस्टांसिस विच स्टेट डू स्ने तो जो स्नेल्स होते हैं वो अनफेवरेबल कंडीशन में कौन सी जगह पर चले जाते हैं तो स्नेक्स अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर वो क्या करते हैं एस्टिवेट करते हैं यानी कि समर स्लिप करते हैं ठीक है तो दे आर गो इन द एस्टिवेशन ठीक है तो स्नेल्स जो होते हैं अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन में मेनली समर्स के अंदर वो क्या करते हैं एस्टिवेशन करते हैं समर स्लिप करते हैं धन ये ठीक है

सीड्स डॉर्मेंसी के अंदर चले जाते हैं स्नेल्स एस्टिवेशन में चले जाते हैं ठीक है अभी वो क्वेश्चन हमने पीछे भी डिस्कस कर रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट अंडरगो इयरली माइग्रेशन इयरली माइग्रेशन या फिर एनुअल माइग्रेशन कौन नहीं करता दैट इज अ सैलामैंडर कौन नहीं करता है सैलामैंडर ठीक है यानी आता के ठीक है आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ पॉपुलेशन डेंसिटी पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब क्या होगा दैट इज अ नंबर ऑफ पीपल दैट इज अ नंबर ऑफ पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया एक पर्टिकुलर एरिया के नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलेंगे तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगा दैट इज नंबर ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स इन द स्पेसिफिक एरिया नंबर ऑफ पीपल इन द स्पेसिफिक रीजन इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम ठीक है स्पेसिफिक रीजन इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम